करें कि यह जल मैं कुएं से खींचता भली हूँ भैया, लेकिन जब साक्षात भगवान का नमन करूँगा तो वहाँ खींचतानी कुछ नहीं होगी, वहाँ तो कलश हाथों में आते जाएंगे और ढुराते जाएंगे। हाथ जोड़े, ओम राम रीम रोम रोम रा नमो रते भगवते श्रीमद मा पदम पदम तेज के श्री मा पुंडी पुंडी गंगा सिंधु रोहि रोहिता सार धरकांता सीता शीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप कूला रक्त रक्तोदा क्षीरो दंशुगण पिक्षालतम नवरत गंधाक्षिपुक्षका दिमोत्रम पवित्रम कुरुकुरु झम झम झोम झोम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम दीम दीम सरस्वती मंत्रणम पैशंचम जलिप मंत्रण करोमी स्वाहा। शुद्धि कर लीजिए, हाँ अपने जो शुद्ध जल किया है उसको थोड़ी सी अपने अंजलि में ले लीजिए। वैसे तो लोग व्यवहार में से चुल्लू बोलते हैं। नाम में ही शक्ति है, यह चित्त में सरधानी आती, नाम ही में भक्ति है, ज्ञानावरणी दर्शन आवरणी चारों है, लोकालोक विलोक्यों केवल ज्ञान में, इंद्रादिक के मुकुट नहीं सुरधान। तब इंद्र जानो अवधिते उठ सुरति उत बंधते भयो तुम पूर्ण को अब बेगी जाई रचो समव सति सफल सुर प्रति को करो साक्षात श्री अरिहंत के दर्शन करो कलमश हरो ऐसे वचन सुने सुरपति के धनपति चल आयो तत्काल मोरे के साथ जय जय ठयो देवी दक्षिणा भक्ति युत भारत है तहा अमर जी। आइए ओलीजे श्री जी को लेकर के आएंगे। हर प्रभु बेदी से भी राजो आके ऐसे प्रभु बेदी से भी राजो आके ऐसे और माता गोदी में पुत्र बैठे ऐसे चली चली रे सवारी देखो चली रे चली चली रे सवारी देखो चली रे। हेलो आदिनाथ भगवान की जय हो, ओ चंदा प्रभु भगवान की जय हो, ओ वास पूज्य भगवान की जय हो, ओ अनंतनाथ भगवान की जय हो, ओ शांतिनाथ भगवान की जय हो, ओ महावीर भगवान की जय हो, ओ चौबीसों भगवान की जय हो। तो बोलते चलो बोलते चलो आदि बाबा का जयकारा चलो हाँ बोलते चलो बोलते चलो पारसनाथ का जयकारा। आइए और सभी लोग पहुंच गए हैं। श्री जी का स्पर्श करने का यही मौका होता है। बाद में लोग इधर से हाथ डालते हैं, सवा हाथ डालते हैं, डेढ़ हाथ डालते हैं, पौने दो डालते हैं, दो तो कोई डालता ही नहीं है। हाँ जबकि भगवान ने दो दिए, दोनों हाथों से भगवान का दर्शन यहीं पर करिए। स्पर्श करने का एक ही समय लिया इसलिए बाद में छूने की कोशिश नहीं करना। बड़े बड़े तीर्थों पर इसलिए कैसा बॉन्डिंग कर दी क्योंकि लोग अपने दोनों हाथों का उपयोग नहीं करते। कोई एक हाथ पीछे में से डालेगा भगवान के चरण छू लूं बस। ओम ह्रीम श्री पीठ स्थित जिनाए अनर्क फल प्राप्ति और घम निर्भपामती। आइए और अब साइड की 24 तीर्थंकर भगवान की दुराबनम स्वरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाक्ष विधोगे रग में विस्वेद ताल मल मो ते मापी प्रकष्ट भक्ता जले जिन पतिम बहुदा विसिंचे सिम बिना सिम जल रहे ते पावन अमल जो किशोरूप जी शरणागतन की अशोचता हर करत अमल अनूप जी। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा
ओम रीम शीम क्लीम अर हम बम बम हम हम सम सम तम तम पम पम बम बम झम झम झीम झीम झूम झूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव दव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेने जिन अभिषेकम करोमि करोमि। घंटा बंद कर दे, हाँ घंटा बंद कर दीजिए। ओम आइए, और जो अभिषेक करने वाले हैं वो उनसे निवेदन है कि बाहर आते जाएं। बोलिए, हर करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए चले गगिरी, हर करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए चले गगिरी। प्रभु नमन को मिलकर के सब गुण मंडी में चालो, प्रभु नमन को सब मिलकर के गुण मंडी में चालो, और संकट हरण श्री पार्श्वनाथ का, और संकट हरण श्री पार्श्वनाथ का मिलकर नमन कराओ। करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाई शुभ ये घड़ी, करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाई शुभ ये घड़ी। और आइए अभिषेक करते जाएं, कलशा ढालो। लीजिए बबीता जी, कलशा ढालो के साथ अभिषेक करते जाएंगे सभी लोग। ओम ह्रीम श्री भीष्मादि वीरांतान जल निष्णप्याम, ओम ह्रीम श्री भीष्मादि वीरांतान जल निष्णप्याम। लीजिए भक्ति के साथ। बाकी जिन्होंने अभिषेक कर लिया है उनसे निवेदन है कि बाहर आ जाएं और अपना स्थान यहाँ पर ले लें, क्योंकि अंदर भीड़ ना करें। पार्श्वनाथ के अभिषेक की पावन बेला आई है, पार्श्वनाथ के अभिषेक की पावन बेला आई। छोड़ो छोड़ो जी, छोड़ो छोड़ो जी कलश की धार, भीगो दो सावरिया को। छोड़ो छोड़ो जी कलश की धार, भीगो दो सावरिया को। और पार्श्वनाथ की श्यामा वर्णी मूरत मने हारी, पार्श्वनाथ की श्यामा वर्णी मूरत मने हारी। कलशा ढालो रे, ओ कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नरे नारी। ओ कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नरे नारी।
के होए शरीर कलसा डालो रे ओ कलसा डालो रे ओ कलसा डालो रे ओ नमन जल से करो ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा ओ नमन जल से करो जस भक्ति बसवन ओक्ति ते पानो डिग दीपके धरो तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो तुम पवित्रता हेत नहीं मंजन टयो हे मलिन रागा दिक मल के रहयो महामलिन तन में बस विधि वश दुख सयो तो अनंतों का लिए मेरी अशुचता ना गई इस अशुचता हर एक तुम्हें भराऊ वंचा चित गई अब अष्ट कर्म विनाश सब मल रोग रागा तन रूप का रागी हति उद्धार शिव वासा करो मैं जानत तुम अष्ट कर्म हरि शिव गए आवागमन विमुक्त राग भर जिते भये करिए नमन करिए जो रह गए हो जल्दी से चित में ऐसी धरु साक्षात श्री अरिहंत का मानो लवन पर सन करूं ऐसे विमल परिणाम होते अशोभ नश शुभ बंधते विधि अशोभ नश शुभ बंधते कर्म सब विधि ताचते पावन मेरे नयन भय तुम दरस बोलिए पावन पानी भय तुम चरणन परसते वने भई पर जाए मेरी भयो में पूर्ण धनी मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं बनी धन धन ते पड़ भागी भवती नीव शिव धर की धरी परिशी ज्ञानी को विघन सघन बन दहन दहन पर चंड हो मोहे महातम द्रलल प्रबल मार्तंड हो महातम द्रलल प्रबल मार्तंड हो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञाधर जग विजय जमराज माशिका को करो आनंद कारण दुख निवारण परम मंगल में सही मोसो पतित नहीं और तुम सो पतित तार सुनियो नहीं चिंता मणि पारस तलप धरु एक भव सुख गई सहनाई नावाग को त्रिभुवन राई त्रिभुवन राई तीनों लोकों के स्वामी तिले भाई नावाग देखो त्रिभुवन राई भुवन राई गूंज रही सहनाई नहाए देखो त्रिभुवन करिए कलश करिए
अध्यानाम आधे जम्मू दीपे भरत चेते आरिखंड भारत देशे उत्तर प्रांत इंद्रपुर दिल्ली नाम नंगेरे राणा पेता बाग गुड़मंडी स्थित संगठरण पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर बिंबे दिन मार संबत 2546 मातम्बा से भाद प्रथमा से शुक्ल पक्ष चतुर्दश शुद्ध आज मंगलवार से मुनियार का नाम सवक सविक्रम शुल्लक चुली का नाम सकल कंसा जल विशेष चांति नमः बोलो भगवान के अभिषेक उत्सव की ओम हो गया और कोई रह गया आ जाइए बिल्कुल आते जाएं कोई दिक्कत नहीं यहाँ से लेकर के लाल मंदिर तक लाइन लगे एक दिन संगठन पार्श्वनाथ भगवान का ऐसा तीसरा हो जाए कि वहाँ से अभिषेक करने वाले यहाँ करें यहाँ से करने वाले वहाँ करें ऐसी लाइन लग जाए एक दिन भगवान ऐसा तीसरा यहाँ पर हो जाए। और आज कैसा कौन सा बार है मंगलवार मंगलवार हाँ जी आज अनंत चतुर्दशी का दिन है विशेष दिन रे पाओ आओ मिल कर के पुण्य जगाओ शांति धारा का अशांति धारा का अवसर पाओ आओ तो ना एक बार प्रभु से मिलो ना और बबीता जी मौका जो जाए मी खिलौना है पल में टूट जाएगा धन और दौलत पाटी जी धन और दौलत माल खजाना सब यही छूट जाएगा। हाँ जी 21,121 रुपया 21,000 आत्म की चेतन राम से मिला लो टेलीफोन और बातें करो आत्म की क्रोध मान माया और लोग इनको छोड़ो चेतन से क्रोध मान माया और लोग इनको छोड़ो चेतन से तेरा मन में बसा लो आत्म राम और बातें करो चेतन से। हाजी इकन को भी देखेंगे और अमेरिका जापान ताइवान सारे देश भी देखेंगे 2 बजे वापस। बिल्कुल भाई साहब भैया इनको जो देखो भैया ये कोरोना ने आपको समझा दिया कि अब भी नहीं समझो तो तुमसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। रख लो भले ही 5,000 करोड़ घर में हॉस्पिटल जाने के बाद पता ही नहीं किसी ने किसका क्या कर लिया और किसी का पता नहीं। अब ये पारसी चरण मैंने अपना भी पुण्य जगाया प्रभु पारस ने सबको बुलाया। हाँ जी 33,000 करने का मिलेगा बाद में दोनों जिनेंद्र भगवान के मस्तक से शांति धारा करने का सौभाग्य भी मिलेगा तो कौन सौभाग्यशाली जल्दी से बताएं। हाँ जी बबीता जी पूछिए जरा महिलाएं आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा क्या बात है आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा आओ जी आओ शांति धारा तुम कर लो आओ जी आओ शांति धारा तुम कर लो पार्श्वनाथ तेरे सारे संकट हाजी छोड़े बोली क्या हाजी 51,151 रुपया एक बार 51,151 रुपया दो बार 51,151 रुपया एक दो ढाई पौने तीन और कोई स्टेशन से गाड़ी और सुनो तो कौन कह रहा है तीन करना है वो तीन करने वालों का तो कुछ नहीं लगना है जिसको लेना है उसका तो सोचो भाई और किसी का भी पुण्य हो सकता है क्या बड़ी बात है। हाँ जी बबीता जी क्या बोल रही हैं स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है स्टेशन से गाड़ी जब जाती है तो 51,151 रुपये एक बार करा करो मन में आया है अपने भक्तों को हाजी पारस ने बुलाया है अपने भक्तों को लीजिए मंदिर है भारत में कई हजार मेरे मन भाया बाबा तेरा दरबार सबसे निराला है क्या बात है देखो प्रभु मंदिर तेरा सबसे निराला है प्रभु पार्श्व मेरा
191 एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन और तीन बार। अजय जी, निशा जी जैन परिवार, रूपनगर। क्या बात है। श्रीमान बलवंत राय जी जैन सीसी कॉलोनी के सुपुत्र हैं। और सबसे बढ़िया बात इसलिए लग रही है, यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ का आशीर्वाद इनको ऐसा मिला है कि इन्होंने अपनी जिंदगी के 65 साल के बाद प्रथम अभिषेक यहाँ पर इस मंदिर में किया। तो आपने अपने 65 साल तो यूं ही निकाले, पर आगे आने वाले साल कैसे निकलेंगे इसका पता अब आपको भगवान पार्श्वनाथ के आशीर्वाद से मिलेगा। और पहले 14 को शांति धारा करी है, मैं नहीं पता, हो सकता है जीवन में आज पहली बार 14 के दिन शांति धारा कर रहे हो। एक बार जोरदार तालियां बाबूजी के लिए। आज के दिन के पहला अभिषेक भी इन्होंने किया है, जिनवाणी चैनल पे जो अभिषेक चल रहा है उनके भी दो परिवार इनकी तरफ से हैं। जोरदार तालियां इनके द्वारा दिए गए हैं ऐसे परिवार के लिए, सभी मिलकर जोरदार तालियां। भैया ताली तो बजा लो, इसमें पैसे नहीं लगने, पैसे लगने ही नहीं है। अरे हाथों को हाथों से मिलाइए, हाथों को हाथों से मिलाइए और थोड़ा सा ऊपर उठाइए, फिर ताली बजा कर बोलो मेरे पारस का जयकारा, फिर ताली बजा बोलो प्रभु पार, बोलो संकटन पार्श्वनाथ भगवान की। ओम ओम ओम। आइए अब दूसरे नंबर पर भगवान आदिनाथ। क्या बात है। आदिनाथ भगवान के मस्तक से शांति धारा करने का सौभाग्य। हाँ जी, 11,000 बहुत बढ़िया। इनके समय से ही असीम असी शिल्प कला वाणिज्य का उद्देश्य देखिए। राजेंद्र भाई साहब, अमित भाई पूरी लिस्ट दे दो, कोई रह नहीं जाए। अभिषेक के लिए कोई रह तो नहीं गया अंदर है? पंडित जी तुम तो मेरे को जानते ही हो भाई, किसी को भी मैं खड़ा कर सकता हूं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कम से कम 14 लोगों के नाम मात्र भाई साहब 5100 रुपए में रख दे, 5100 रुपए की राशि में मात्र 14 ही नाम चाहिए जो शांति धारा में अपने यहां पर साथ में इनके कर सकते हैं। जल्दी से नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें जल्दी से। हाँ जी, मात्र 14 नाम जो चंदन तंडुल पोष पे कई सरसो दीप सोधो फल अरग कई धवल मंगल गान रवा तोले जिन ग्रहे अभिषेक ओम रीम विश्वादी वीरांते बनमा संकरण पार्श्वनाथ जिनेन्द्रा जिनेन्द्राय नमा से आदिनाथ शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमा विनायक अंतिम अभिषेकांते हर घम निर्भपामती नमोस्तु। ये क्यों खड़े हो गए आप लोग, बैठ जाओ। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। पहले आपको कुछ सूचना, भैया जरा थोड़ी शांति रखो। आज की शांति धारा में हमारे पास में 1124 परिवारों की तरफ से करीब 4488 नाम आए हैं, जिनका नाम हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक घंटे में हम यहाँ बोल सकें। आप सभी 1124 परिवारों को भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में हमारी विनती है कि आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरीके से धार्मिक कार्य करते रहें। सवाल राशि का नहीं है, सवाल 1100 रुपए का नहीं है, सवाल आपकी भावना का है, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति का है। बड़े तो बहुत हुए जिनके पास 5000 करोड़ भी हैं, पर भैया रखे रखना घर में। अगर आप आज भी उसको काम में नहीं ले पाए तो ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं है। नंबर दो, दिनांक 23/8 से 1/9 तक हमने सभी के शुद्ध भोजन की व्यवस्था सभी हॉस्पिटल में, जो भी व्यक्ति जहाँ रह रहा था, जो भी बच्चा जहाँ रह रहा था, उन सभी के लिए यहाँ से करी थी। उसका आज अंतिम दिन है और जिन भाई बहनों ने उपवास किया है केवल उनके लिए कल ये हम व्यवस्था करेंगे, बाकी सभी लोगों के लिए हम नहीं करेंगे। जिनको भोजन पहुंचने में हमारे द्वारा कोई सुविधा अच्छी नहीं लगी हो, उन सभी से हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। आप हमें पता है, हमें जरूर माफ़ करेंगे, हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश करके शुद्ध भोजन आप सभी बीमार व्यक्तियों के पास पहुंचाया, हॉस्पिटल में पहुंचाया, डॉक्टर्स को पहुंचाया, मेदांता में पहुंचाया, गंगाराम में पहुंचाया, सभी जगह से नोएडा
हमने सुबह से लेकर शाम तक 5 गाड़ियों के माध्यम से, जो कि एक गुड़गांवा, एक नोएडा, एक बदरपुर, एक इस साइड में नागलोई, एक और पूरी दिल्ली में, 5 गाड़ियों के माध्यम से आप सभी तक इस भोजन की सुविधा को हमने उपलब्ध करवाया। ये सब आपको मैं अपनी जानकारी नहीं बता रहा हूँ, ना ही कोई पवन जैन गोदा ने किया है, ये सारे समाज ने किया है। आप सबका सहयोग नहीं होता तो शायद ये कार्य नहीं होता। दिल्ली जैन समाज सेवा समिति ने इस लॉकडाउन में कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए जितने भी जैन परिवार इस कारण से परेशान थे, सभी के हमने खातों में सीधे ही आर्थिक मदद की है। उसमें भी अगर कोई रह गया हो, किसी को हम नहीं दे पाए हों, उनसे भी हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि सभी को ये सुविधा पहुंचाना शायद असंभव था। सितंबर तक हमने ये सेवा आप सभी के लिए रखी है और अब लॉकडाउन खुल गया है। अब केवल ये सुविधा हम 65 वर्ष से ऊपर वाले भाई बहन जो अकेले रहते हैं, कोई विशेष बीमारी से ग्रसित है या विडो है, हमने इस समिति द्वारा 1144 परिवारों के खातों में आर्थिक मदद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में पहुंचाई है। सभी के खातों में पैसा दिया है, जिसकी जो भी हमारे पास में इस मदद के अंदर 108 परिवारों ने मिलकर के हमारा साथ दिया तो हम ये कार्य कर पाए हैं। हमारे साथ में सबसे पहले हमारे समाज श्रेष्ठी आचार्य श्री के परम भक्त श्रीमान सुधीर जी जैन अलीपुर रोड, जिन्होंने 11 लाख रुपए के करीब राशि देकर के इस कार्य को अंजाम दिया। दूसरे जैन परिवार नहीं होकर के भी श्रीमान नवीन जी नयन जी रहेजा बिल्डर्स, जिनकी आज की डेट में 78 मंजिल की पहली बिल्डिंग गुड़गांव में NCR में उनके परिवार के द्वारा, रहेजा बिल्डर्स के द्वारा बनाई जा रही है, उनकी तरफ से भी हमें 11 लाख रुपए की राशि इस कार्य में मिली। जब ही से ये कार्य हमने शुरू किया, इसके पश्चात हमारे साथ में श्रीमान नरेंद्र जी, नितिन जी, आदिनाथ एसोसिएट जो कि रहेजा बिल्डर के साथ में हैं, श्रीमान जिनराज जी डालमिया, श्रीमान विजय जी चांदी वाले, नवीन जी जैन महामंत्री ऋषभ विहार, श्रीमान कमल जी पलवल, श्रीमान अखिल जी पान बहार वाले जो राजपुर रोड पे रहते हैं, श्रीमान वीरेंद्र जी सोनी परिवार, एक ऐसा परिवार जो हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहता है, श्रीमान विनय जी भूपेंद्र जी जैन शालीमार बाग चावल वाले, श्रीमान राजेश जी जैन खाना खजाना चावल वाले, श्रीमान शरदराज जी कासलीवाल, श्रीमान NC जैन मॉडल टाउन, श्रीमान अनिल गोदा जी, श्रीमती संध्या जैन सुभाष प्रोजेक्ट, इन परिवारों ने, इसके अलावा भी करीब 100 परिवारों ने हमारा इस काम में साथ दिया। इन सभी परिवारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधर्मी भाई बहनों के भोजन की व्यवस्था जो आज की है, वह श्रीमान विजय जी, वीना जी, निपुण जी परिवार प्रीतमपुरा की ओर से है। आज पूरा संपूर्ण भोजन की व्यवस्था उनके परिवार के द्वारा की गई है। उस परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज हमें शिखर जी की यात्रा करना सिखा दिया और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया। यहाँ पर बाहर गरीबों को, करीब 500 लोगों को रोज भोजन करवाया जाता है, जिसकी राशि 51 आदमियों की हमने 2100 रुपए की रखी है। कोई भी भाई बहन करवाना चाहे वह करवा सकता है। एक बात और विशेष, हमारे कोषाध्यक्ष साहब अमित जी जैन, ऐसा कोषाध्यक्ष भी आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा। शाम को पैसा दोगे, आपके घर व्हाट्सएप से रसीद पहुंचेगी। अगर किसी भाई बहन ने 1 रुपया भी हमारे यहाँ पे दिया है और उसको रसीद नहीं मिली हो, वह किसी भी समय फ़ोन करके 9312607071 पर अमित भाई से फ़ोन करके अपनी रसीद ले ले में, और कोई भी भाई ये ना समझे कि हमने जो पैसा दिया है वह कहाँ लगा है। अगर आपने पैसा भोजन में दिया है तो वह भोजन में लगा है, अगर शांति धारा में दिया है तो इस मंदिर का जो निर्माण 700 गज में होने वाला है उसके अंदर लगेगा। आपके एक एक पैसे का यहाँ पर सदुपयोग किया जाएगा। यहाँ पर अभी तक जितने भी परिवारों ने शांति धारा कराई है, उन सभी को 100% फायदा मिला है और कोरोना से भी सभी लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, वो ठीक हुए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप भी शांति धारा कराओ, परंतु अगर आपको कोई तकलीफ है, आप यहाँ के दर्शन करें, शांति धारा करवाएं। ये मैंने और आपने कुछ नहीं किया,
ये आशीर्वाद है हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज, जिन्होंने आज दिल्ली में इतने कार्य किए हैं शायद किसी ने नहीं किए। कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। आज भी उपाध्याय श्री की सोच नई से नई सोच होती है। चाहे हमने आचार्य श्री का संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया, हमने कहा भैया 5,000 आदमी आएंगे, परंतु 5,000 इतनी प्रसाद के अंदर 5,000 आदमी के आने के बाद में भी 5,000 लोग बाहर से वापस घर चले गए। ये आशीर्वाद था आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का और उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का। आज गुप्ती सागर जी महाराज ने एक ऐसा स्थान गुप्ती धाम गन्नौर और पानीपत के बीच में गन्नौर में बनाया है, जो आज कृत्रिम एक बिल्कुल अकृत्रिम चैताल्य ऐसी जगह बनाई है जिसे एक बार देखते ही आपका मन विभोर हो जाता है। इनके द्वारा बैंक एंक्लेव, निर्वाण विहार, नोएडा, प्रीत विहार, अंबाला और भी कई मंदिरों का निर्माण आचार्य श्री के आशीर्वाद से उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के द्वारा, और ये मंदिर भी जो कहाँ जाना था वह यहाँ आया। ये सब आपका और मेरा सौभाग्य था। जो कहाँ मूर्ति जानी थी और कहाँ पर ये उड़ करके यहाँ पर आई है, ये सभी का आशीर्वाद है। एक और कार्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से किया जा रहा है। CS, CA, IAS, IPS, IRS करने वाले बच्चों के लिए 35 कमरों का निर्माण हो रहा है, जिसकी पहली मंजिल बनकर तैयार है, बाकी अभी बन रही है, वह भी जल्दी से जल्दी हम शुरू करेंगे और सभी को, सभी बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। मैं सभी से हाथ जोड़कर एक बार क्षमा याचना करता हूँ कि हमारे द्वारा, हमारे समाज के द्वारा किसी भी चीज़ में आपको कोई दिक्कत हुई हो, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब आगे की आज की शांति धारा, जिसमें हमारे पास 4488 नाम आए हैं, ये पारस चैनल के माध्यम से आपको ठीक 10:15 से 11:15 तक दिखाया जाएगा, और जिनवाणी चैनल के माध्यम से दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक संपूर्ण विश्व में जहाँ रात होती है वो पारस चैनल पे देखे, जहाँ दिन होता है वह जिनवाणी चैनल पे देखे। इन दोनों चैनलों को, भाई राजेश जी को और पूरे परिवार को, आकाश जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये सेवा करके इस कोरोना जैसी महामारी में सभी को लाभ पहुंचाया। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद।